नमस्कार जी, आज हम गागुड़ा गांव में हैं मेड़ता रोड के, और हम आज रामकिशोर जी के खेत में हैं। और यहाँ हमारे बूबीटे का बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ये हमारी कसूरी मेथी है, जो कि बहुत सुप्रसिद्ध नागौरी मेथी बोली जाती है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो ये कैसा रिजल्ट है, हम रामकिशोर जी से ही सुनते हैं कि किस तरीका इनको रिजल्ट मिला है, क्या इनको भूविटा डालने के बाद में क्या अंतर इनको लग रहा है, तो बताइए रामकिशोर जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। रामकिशोर जांगीर ग्राम गागुड़ा का साहब, मेथी तो 5-6 साल से हो रहे हम, लेकिन इस साल का रिजल्ट अच्छा है। अच्छा। वैसे तो ये कटिंग पे अब आ गई है मशीन कट करने के लिए, लेकिन फिर भी 4 दिन और रुके कटिंग करेंगे। अच्छा। हर बार 40 दिन से 45 दिन के बाद कटिंग की आती है। इस बार ये 28 तारीख की बोई है और आज 18 तारीख हुई है, यानी 20 दिन हुए। 20 दिन हो गए। 20 दिन की हुई है और 4 दिन और रुकेंगे तो काफ़ी बढ़वार और हो जाएगी। अच्छा। तो ये 25 दिन में ये पहली टाइम ही बढ़वार, और इतनी हरी भरी और सब है, अच्छी है, कलर भी अच्छा है, और खेत खाली भी नहीं है। खेत खाली नहीं है, कहीं पर भी अंकुरित भी अच्छे हुए, बीज अंकुरित बहुत अच्छा हुआ, तो उससे ये इसके उत्पादन में फायदा ही होगा। मतलब भूविटा यूज किया, भूविटा और इको हरियाली, तो इसमें खेत में पहले जमीन में वही थी। हाँ, ठीक है। बीज के साथ में डाला, ठीक है, और बाद में PGPR एग्रो 90 और इको हरियाली का स्प्रे स्प्रे कर दिया। मतलब एक बार भूविटा दे दी, एक स्प्रे कर, एक स्प्रे, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जिस तरीके से देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत टाइम से ये मतलब कि इस मेथी की खेती कर रहे हैं, परंतु पहली बार ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आज इनकी जो फसल है ये मेथी की, यूनिफॉर्मली सब जगह, मतलब कि कहीं भी ऐसा ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कहीं ये ऐसा रह गया कि यहाँ पे पौधा नहीं उगा है। सब जगह यूनिफॉर्म इसमें पौधे उगे हैं, और आप देख सकते हैं आप कैमरे के माध्यम से, कहीं भी ऐसा अपने को नहीं लगेगा। सब जगह मतलब कि बहुत ही अच्छी फसल है, बहुत ही अच्छा इसका कलर जो है मेथी का होना चाहिए उस तरीके से है, आप देख सकते हैं। जैसे कि तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं AWPL के इस प्रोडक्ट के लिए। और इसमें मैं बताना भूल गया, हाँ बताइए, कि हर बार जब हम बोते थे तो इसमें बीज डालते थे 50 किलो 55 किलो प्रति बीघा के, अब की बार बीज डाला हमने 30 किलो प्रति बीघा, मतलब दाना दाना उग गया। तो अंकुरण का भी जिस तरीके से रेशियो देखे तो अंकुरण का रेशियो भी बहुत ज्यादा है। जैसे ये बता रहे हैं कि 1 बीघा के अंदर हमेशा 50 किलो हम डालते थे मेथी, परंतु अब की बार 1 बीघा सिर्फ मात्र 30 किलो इन्होंने 30 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डाला, तो भी जो अंकुरण रेशियो है बहुत ज़्यादा है, और आप देख सकते हैं। और सभी किसान भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि एक बार ज़रूर इस AWPL के प्रोडक्ट भूविटा एग्रो 90 इको हरियाली और PGPR को ज़रूर यूज़ करके देखें, और आपकी भी खेती इसी तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से ले लाएगी, और बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। थैंक यू सो मच। आप भी बोलो। रामकिशोर जी, सर मैं सुरेंद्र सिंह चंदावत पाली का रहने वाला हूँ, बागड़िया गांव का। रामकिशोर जी, सर मैं आप पहले भी इस खेत में आया था, मैंने ये चीज़ नोट की है, खेत मतलब बहुत ही मतलब मुलायम लग रहा है, और जैसे मतलब बढ़िया है इस खेत, तो वो खेत खुल गया, मतलब खेत मुलायम हुआ है। हाँ, जैविक की वजह से, और इतने सालों से आप यूरिया DAP काम में ले रहे थे, उसकी वजह से खेत बंद रहा था, तो ये खुल गया है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और आप किसानों को क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई ये जो AWPL का जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर के, वो प्रोडक्ट यूज लें और अपनी अच्छी उपज लें, तो उसमें फायदा है। अगर ये मेथी है, अगर इसमें दूसरा केमिकल वगैरह डालते थे, अगर एक लो कटिंग भी आगे जाती है तो भी एक कटिंग भी समथिंग लाख रुपए के आसपास होगी, तो 1 लाख रुपए का तो पूरा प्रोडक्ट ही नहीं डालेंगे। हाँ, सही है। और फसल कितनी अच्छी है, कलर कितना अच्छा है, और पूरा खेत में कंप्लीट एक सरी की फसल, नहीं तो दबे दबे होते थे। नहीं नहीं, हमने दूसरे खेत भी देखे, ऐसा खेत नहीं दिए, दबे दबे होते थे, पहले हमने भी बोया था यही खेत में बोए। ये तो 5वीं बार है मेथी इसमें। हाँ सही है, 4 बार पहले हमने भी बोई है इसमें, लेकिन इतना ये नहीं, ये रिजल्ट नहीं था।
देखो कितनी नरम है। ओके धन्यवाद।